में नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में आई ही वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक वीडियो जो है मैंने पहले भी बनाया था इसके रिगार्डिंग, तो आज यहाँ पे मैं पूरा फुल डिटेल दूंगा आपको, जिसमें एग्जामिनेशन सेंटर से लेके एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगा, साथ ही साथ फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है, उसमें आपका 10th और प्लस 12th मांगा गया है। ध्यान रखिएगा 10th प्लस 12th मांगा गया है। 10th में जो है 55% मिनिमम मांगा गया है, कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं है, रिलैक्सेशन नहीं है 55% में, सबका जो है 55% होना चाहिए तब जाके इसके लिए एलिजिबल है। और यहाँ पे जो पोस्ट है वो सभी को मालूम है कि डंपर ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर, सरफेस माइनर ऑपरेटर, पे लोडर, ये सब जो है ऑपरेटर की पोस्ट आई है, जिसकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 776 है। ठीक है, 776 जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे। और तो अभी यहाँ पे आप पोस्ट कोड भी ध्यान रखिएगा, HMB 01, HMB 03, ये सब ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बेसिस पे ही मैं बताऊँगा। तो देखिए जितनी भी पोस्ट अगर आप देखोगे तो HMB 01 से लेके HMB 07 तक जो है आपको इसमें लाइसेंस मांगा हुआ है, वो भी हैवी मोटर व्हीकल का। ठीक है, तो इस एक पोस्ट ऐसी है जिसमें आपका लाइसेंस नहीं मांगा हुआ है, सिर्फ 10th प्लस 12th मांगा हुआ है। उस पोस्ट कोड का नाम है HMV 08, ड्रिल ऑपरेटर जो है, उसमें जो है कोई लाइसेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसमें वो कैंडिडेट भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जिनके पास HMV का लाइसेंस नहीं है। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले पड़ाव पे, जैसे एज क्वालिफिकेशन पे। तो एज जो क्वालिफिकेशन है 18 से लेके 30 साल जो है मैक्सिमम एज लिमिट है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें जो है आपके 55% होना चाहिए 10th में, 12th में कुछ भी परसेंट हो उससे मैटर नहीं करता, लेकिन 10th में जो है आपको 55% होने चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले ट्रेनिंग के बारे में। तो देखिए ट्रेनिंग में इसमें क्या है कि पहले 3 साल जो है सभी लोगों का जो है इसमें ट्रेनिंग होगा। ठीक है, 3 साल ट्रेनिंग के दौरान जो है आपको 30,000 के लगभग पैसे भी प्रोवाइड होंगे। और इसके बाद कन्फर्मेशन भी श्योरिटी दे रहा है कि यहाँ पे कन्फर्मेशन भी किया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान। अगर आप ट्रेनिंग में सफल हो जाते हैं तो कन्फर्मेशन भी होगा। देन जब कन्फर्मेशन होगा तो आपको जो भी इसके कंपनी के अकॉर्डिंग जो भी पे वगैरह बनती है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान जो है आपको इसमें दिया गया है बेसिक रुपीज़ जो है पर डे का दिया गया है 1,011 रुपये दिया जाएगा, जो डंपर ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर, सरफेस ऑपरेटर ये सब है। एक है ड्रैग लाइन ऑपरेटर। ड्रैग लाइन ऑपरेटर में क्या है कि ITI मांगा हुआ है और इनका जो सैलरी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी जितने भी ऑपरेटर हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या है, इसमें जो है एग्ज़ाम होगा, रिटन टेस्ट होगा जो ऑफलाइन होगा OMR सीट में। तो इसमें क्या है कि OMR सीट में जब एग्ज़ाम होगा तो देखिए बेसिकली जो पोस्ट है वो दो पोस्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक ड्रैग लाइन ऑपरेटर में, एक जो है नॉन ड्रैग लाइन ऑपरेटर में। मतलब ड्रैग लाइन ऑपरेटर में जो है ITI रिक्वायरमेंट है, बाकी सब में क्या है कि ITI रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें 10th प्लस 12th चाहिए। तो ड्रैग लाइन ऑपरेटर की बात किया जाए तो उसमें जो है 150 क्वेश्चंस आएंगे। 150 क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस रहेंगे उनके वो क्वेश्चंस रहेंगे आपके रीजनिंग से रहेंगे, एप्टीट्यूड से रहेंगे, और आपके जो ITI ट्रेड है उससे क्वेश्चंस रहेंगे। तो ITI ट्रेड के जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें जो ट्रेड रहेगा आपका डीजल मैकेनिक्स, मोटर मैकेनिक्स और फिटर ट्रेड से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये है पूरा क्वालिफाइंग कट ऑफ भी दे रखा है कि 50 नंबर जो है जनरल्स के लिए रखा गया है अगर बात की जाए अदर देन ड्रैग लाइन ऑपरेटर के लिए, और 45 नंबर जो है ST OBC के लिए रखा गया है। इसी तरह जो ड्रैग लाइन ऑपरेटर है उनके लिए जो रखा गया है 75 मार्क्स का, और 68 जो है ST के लिए। तो ये इसका जो है मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। देन यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर की बात करते हैं। तो जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा आपका सिगरौली, जबलपुर, भोपाल जो मध्य प्रदेश में है, और सोनभद्र, अलाहाबाद और वाराणसी में जो है इसका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। तो ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन सेंटर जो है मध्य प्रदेश और UP में है, UP में अलाहाबाद, सोनभद्र, वाराणसी, और भोपाल में जो है सिंगरौली, जबलपुर, भोपाल, ये जो 6 सेंटर हैं यही सिर्फ सेंटर हैं इसके। तो एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसमें रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट जो है आपका ऑब्जेक्टिव बेसिस में होगा, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज में क्वेश्चंस आएंगे, और ऑफलाइन ये एग्ज़ाम होगा। और जो रिटन टेस्ट होगा उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स पूछी जाएगी, जनरल इंटेलिजेंस पूछी जाएगी, जनरल एबिलिटी पूछी जाएगी, और टेक्निकल के टेस्ट रहेंगे
टेक्निकल टेस्ट सिर्फ आईटीआई वालों के लिए रहेंगे, बाकी में जो नॉर्मल क्वेश्चन दिए जाएंगे, जीके के भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। तो ये जिसका जो सिलेबस पैटर्न है वो बेसिकली एसएससी पैटर्न पे होगा इसका सिलेबस। तो एसएससी का जो सिलेबस रहता है एमटीएस और सीएचएसएल का, उसका सिलेबस जो है यहाँ पे रहेगा, सीजीएल का सिलेबस नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे इसका सिलेक्शन होगा, जिसमें जितना नंबर जो पाएगा। अब हम बात करते हैं कि कैसे इस फॉर्म को फिलअप करना है। तो फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हैं, वहाँ से लिंक दिया गया है, आप फॉर्म को वहाँ से डायरेक्टली फ़िलअप कर सकते हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन पूछा गया होगा कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी उसमें पूछा होगा उसको आपको फ़िलअप करने पड़ेगा। तो ये वेबसाइट है, अगर इस वेबसाइट पर कैरियर रिक्रूटमेंट में ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आप जाके फॉर्म फ़िलअप कर सकते हैं। देन फॉर्म फ़िलअप करने के बाद आपको क्या है कि इसमें 500 रुपये जो है फ़ी लग रही है, ठीक है। तो ऑनलाइन आपको 500 रुपये का फ़ी भी इसमें पेमेंट करना पड़ेगा, और जो कैटेगरी जैसे SC ST है उनके लिए जो है कोई फ़ी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जो SC ST नहीं है उनके लिए कोई भी फ़ी नहीं है, लेकिन जो OBC जनरल्स हैं उनके लिए 500 रुपये का ये फॉर्म है, और 500 रुपये का फॉर्म है तो ये भी ऑनलाइन पे होगा। तो यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। देन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको क्या है कि फॉर्म को प्रिंट आउट लेके जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अटैच करने हैं, सेल्फ अटैच करके। देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, 10th के HMB लाइसेंस, ITI और जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सारे चीज़ जो है आपको अटैच करके एक एड्रेस दिया गया है, उस एड्रेस पे जो है आपको सेंड करना है। तो मेलिंग एड्रेस जो रहेगा इसको आपको स्पीड पोस्ट करना है। तो मेलिंग एड्रेस ये देखिए, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये इसका मेलिंग एड्रेस है, यहाँ पे जो है आपको सेंड करना है, ठीक है। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट डेट है ये फॉर्म का, तो मैंने बता दिया कि 28 तारीख को ये रिलीज़ हुआ था, और ये जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन और पेमेंट जो स्टार्ट होगा वो 10 सितंबर से होगा, लेकिन ऑनलाइन आप फॉर्म जो है रजिस्टर अभी कर सकते हो, ठीक है। तो 10 सितंबर से जो है स्टार्ट होगा, और इसका जो लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिशन का वो 24 सितंबर है। और जो हार्ड कॉपी आपको भेजना है, जो प्रिंट आउट निकाल के और उसको आपको भेजना है, वो 24 अक्टूबर तक चला जाना चाहिए, ठीक है। तो ये है यहाँ का इम्पॉर्टेंट डेट, इसे ध्यान रखिएगा। देन दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, जब आप इसको ऑफलाइन मतलब जब प्रिंट आउट करके आप इसको भेजोगे, तो अपने जो एप्लीकेशन जो इनवलप है उस पे लिख देना कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अपना पोस्ट कोड नंबर और जो भी लिख देना उसमें कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, पोस्ट लिखना जरूर, HMB 01 जो भी है वो लिख देना। सो फ्रेंड, यहाँ से हम वीडियो को एंड करते हैं, आशा करता हूँ। अच्छा, एक बात और मैं बता दूँ कि इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि गर्ल्स कैंडिडेट जो है एलिजिबल है कि नहीं है। तो अगर बात किया जाए, ये जॉब जो है बेसिकली बॉयज़ कैंडिडेट के लिए है, मतलब उनके लिए काफ़ी सुटेबल है। तो इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि गर्ल्स कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है कि नहीं, लेकिन जहाँ तक बात किया जाए, ऐसे नॉर्मल बात किया जाए, तो यहाँ पे ये जो जॉब है बेसिकली बॉयज़ कैंडिडेट के लिए है। सो फ्रेंड, यहाँ से हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।